नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो सीरीज हमने चला रखी है आपके लिए, इसमें अब हम लोक प्रशासन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसकी 8 वीडियोस आपको मिल गई थी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिसपे क्लिक करके आप पहले वाली वीडियोज दोबारा देख लेंगे एक बार, ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे। मैं तो आपको बता देता हूँ एक सीधी सी भाषा में कि भाई हम संगठन के सिद्धांत पढ़ रहे थे। संगठन के ऊपर ये 2 वीडियोज और आएंगे, 10 और 11। इसके बाद में हम लोक प्रशासन के जो टॉपिक है हमारे, उनके ऊपर बात करेंगे, उनके ऊपर वीडियोज बनाएंगे, जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो ये है मित्रों के दिन में 2 वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ताकि हमारे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं और ये जल्दी से जल्दी कवर हो, ताकि हम उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर वन लाइनर जो भी हमसे बन सके करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी बात है। अब देखिए लोक प्रशासन का ये 10वां वीडियो नोट आपके सामने है, संगठन के सिद्धांत की हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें हम मोस्टली जो बात करेंगे वो हम करेंगे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे दोस्तों केंद्रीकरण की। देखिए यहाँ पे एक परिभाषा है एलडी वाइट की, ध्यान से देखिएगा कि प्रशासन को निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता का हस्तांतरण जो होता है वो केंद्रीकरण होता है। एलडी वाइट ने ऐसा कहा है कि भाई जो नीचे का जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, यदि वो कार्य को अपने ऊपर वाले कर्मचारी के प्रति समर्पित कर दें, निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता हस्तांतरण हो जाए, तो ये क्या होगा? एलडी वाइट ने कहा केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 162, किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अधिकांश निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा नहीं लिए जाते जो कि कार्य कर रहे हैं। ओके, मतलब जो नीचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं वो निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि संगठन के उच्च शिखर द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ये लुईस ए एलन कहते हैं केंद्रीकरण के लिए। तो यही बात हमने बताई कि जो नीचे के स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं वो सिर्फ कार्य करते हैं, निर्णय कौन लेते हैं? ऊपर बैठे हुए कर्मचारी। तो ये जो व्यवस्था है ये किस चीज की है? केंद्रीकरण की है। किस चीज की है? केंद्रीकरण की। तो ये 2 परिभाषाएं थी यहां पर। और नेक्स्ट देखिए केंद्रीकरण के गुणों की यदि हम बात करें, भाई कोई भी व्यवस्था है उसमें गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं, ये आप सभी को पता है। अब देखिए यहां पे हम बात करें तो अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है केंद्रीकरण के अंदर, कर्मचारी बहुत होते हैं लेकिन निर्णय सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। अब ये आप किसी कंपनी के थ्रू भी देख सकते हैं या फिर किसी सरकार के लिए भी आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि कर्मचारी सिर्फ कार्य करते हैं, कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है? जो उनके ऊपर बैठा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार कम होता है, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाले होते हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता, ऊपर जो एक व्यक्ति है वही निर्णय करेगा, उसी के हाथ में सब कुछ होता है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की यहाँ पे संभावना कम होती है। संगठन में एकात्मक रहता है, एकीकृत संगठन होता है। फिर भी हम इसकी एक अलग तरीके से बात कर लें कि भाई केंद्रीकरण जो व्यवस्था है ना, ये व्यक्तिगत जो नेतृत्व की बात करें, किसकी बात करें? व्यक्तिगत नेतृत्व की बात करें, उसको समर्थ बनाता है। एक व्यक्ति का नियंत्रण, उसकी कुशलता, अनुभव और उसके जो प्रतिभा है उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एक जो व्यक्ति है यदि उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, अनुभव है, वो कुशल है, तो उसकी कार्यकुशलता में ऑब्वियसली ये वृद्धि होना ही होना है। केंद्रीकरण की शासन व्यवस्था को राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि भी माना गया है। केंद्रीकरण की जो शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की जो व्यवस्था होगी ये राष्ट्रीय हित इसमें सर्वोपरि होगा, सबसे ऊपर राष्ट्रीय हित, उसके बाद में सब कुछ। ओके, और यहाँ पे देखिए नियंत्रण कठोर होता है यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पे भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो क्या होती है? कम होती है। आज मैंने लिखा कम है, आपको सुनना पड़ेगा और वीडियोस को और नोट्स को एकदम कंपाइल करके चलेंगे ना, मिला के चलेंगे, तब ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एकीकृत संगठन हो गया, अधिकार एक व्यक्ति के पास होता है, शक्ति उसी के पास होती है, भ्रष्टाचार कम होता है, और यहाँ पे जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती है उसमें एक ही अधिकारी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, तो इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, उनमें क्या बना रहता है? एक रूपता बनी रहती है, इसलिए क्या हो गया? एकीकृत संगठन। ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई? फास्ट तो नहीं है, ठीक है। देखिए केंद्रीय गुण, यहाँ तक इसके केंद्रीकरण के गुण हमने आपको बता दिए। क्या केंद्रीकरण के दोष की चर्चा भी कर लें क्या? बिल्कुल कर लेते हैं भाई, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम। देखिए यहाँ पर केंद्रीकरण में क्या होता है दोस्तों, जो संगठन होता है, देखिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा, जो संगठन होता है, संगठन हो गया, इसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता, व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता। क्यों? कर्मचारी तो केवल फाइलें भर भर के देते रहते हैं ऊपर, निर्णय तो वो लेते हैं ना, तो निर्णय का ज्ञान तो नहीं हुआ ना उनको, किसी चीज पे डिसीजन कैसे करेंगे हम, तो व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता कर्मचारियों को। दूसरी बात, जनता और प्रशासन के सहयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता यहाँ पर केंद्रीकरण में। तीसरी बात,
प्रशासन लचीला नहीं होता, कठोर होता चला जाता है। ओके, और फिर एक और हम बात करें तो यहाँ पर कि कर्मचारी में जो पहल करने की क्षमता होती है वो विकसित नहीं होती। क्यों? उनको जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही वो कार्य करेंगे, वो स्वयं के हिसाब से कोई भी कार्य ना तो शुरू करेंगे ना उसको अंजाम देंगे। तो ये क्या हुए? केंद्रीकरण के दोष हुए। क्या हुए? केंद्रीकरण के दोष। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम बात करेंगे 164 में विकेंद्रीकरण की। बिल्कुल केंद्रीकरण का उल्टा है विकेंद्रीकरण। उच्च अधिकारी द्वारा निम्नों को अधिक शक्ति का हस्तांतरण करना। देखिए, केंद्रीकरण में क्या था कि जो ऊपर बैठा हुआ अधिकारी है इसके पास में शक्ति है, यही निर्णय लेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो उच्च अधिकारी है ये अपने कर्मचारियों को भी क्या दे देगा, पावर्स दे देगा कि तुम ये कार्य अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा देखिए, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक अधिकार वितरण विकेंद्रीकरण है। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक यदि अधिकारों का वितरण कर दिया तो वो क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। छोटी सी बात कर लेते हैं विकेंद्रीकरण पर। भाई, विकेंद्रीकरण भी सत्ता के हस्तांतरण या उसको प्रयोग करने के लिए एक विकसित रूप है। विकसित रूप है ये, जब कोई उच्च अधिकारी, ऊंचे पद पर बैठा हुआ अधिकारी अपने नीचे वाले कर्मचारी को अधिक मात्रा में अधिकारों को ट्रांसफर कर दे, अधिकार दे दे उसको, तो वो क्या होगी, स्थिति विकेंद्रीकरण की होगी। ये व्यवस्था है जो विकेंद्रीकरण वाली, सुनते जाना भाई, ये व्यवस्था आज के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए अति आवश्यक है। हम बात करें हमारे जैसे देश की तो यहाँ पर ये विकेंद्रीकरण अति आवश्यक है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और परिभाषा विकेंद्रीकरण से संबंधित, जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो। ऐसा ही नहीं कि भाई ऊपर जो बैठा है अफसर उसी का महत्व तो बढ़ता जाए, नीचे वाले कर्मचारियों को कोई महत्व तो नहीं दिया जाए। बिल्कुल, वो केवल कर्मचारी बनकर रह गए, बस कार्य करना है उनको, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अधीनस्थों का भी महत्व में वृद्धि होती है, वह विकेंद्रीकरण होता है। जहाँ महत्व तो घटाए वह केंद्रीकरण होता है, ये कहा फेयोल ने। फेयोल कहते हैं यहाँ पर परिभाषा कि जहाँ पर अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वो तो विकेंद्रीकरण, और जहाँ महत्व तो घटे उनका वो केंद्रीकरण। बिल्कुल सरल भाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ और हानि की। देखिए, जैसे हमने केंद्रीकरण के लिए देखा वैसे विकेंद्रीकरण के लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो उच्चाधिकारी होते हैं वो कार्यभार में कमी करता है। कैसे? उच्च अधिकारी अपने सर पर ज्यादा बोझ लेकर नहीं चलता, अपने जो अधीनस्थ होते हैं उनमें वो अधिकार बांट देता है, कार्य बांट देता है, जिससे कार्यभार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो फिर युवाओं को प्रेरणा मिलती है। कैसे? भाई, संगठन में जो युवा विकेंद्रीकृत व्यवस्था में कुछ कर दिखाने के लिए उनको अवसर प्रदान होता है। जो युवा होते हैं उनको इस व्यवस्था में कुछ कर दिखाने के लिए व्यवस्था होती है। जैसे हमने बताया था, केंद्रीकरण में कोई भी पहल नहीं करता, कोई भी अच्छा काम दिमाग में आया उनके वो नहीं करेगा, लेकिन विकेंद्रीकरण में वो क्या करेगा, भागकर वो कार्य करेगा, और वो युवाओं के लिए प्रेरणादायी होता है। उसे या युवाओं को निर्णय लेने के अवसर भी मिलते हैं और उन्हें प्रचार प्रेरणा का संचार करने का अवसर भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, मनोबल में वृद्धि, एक छोटी सी बात है ये कि जो युवा होते हैं उनके जो भी कर्मचारी होते हैं अधीनस्थ, यदि उनके ऊपर कार्यभार डाला गया तो उस कार्य को करने के लिए उनके अंदर एक अंदर से आवाज आएगी। ठीक है, ये जो व्यवस्था होगी वो अपनी जो कुशलता का प्रदर्शित करेंगे, कुशलता का प्रदर्शित करने के लिए उनको अवसर मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर वो क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और वो उस कार्य को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएंगे। सीधी सी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें तो भाई, संदेश कार्य यहाँ पे आसान हो जाता है। लाभ देख रहे हैं हम फिलहाल अभी। विकेंद्रीकरण में जो मैसेज जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं किसी भी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था लचीली हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो कार्य को संपन्न करने के लिए जो विभाग होते हैं ना, विभाग अधीनस्थों वाले जो विभाग होते हैं उनको थोड़ी सी फ्रीडम होती है, स्वायत्तता दे दी जाती है कि आप अपने हिसाब से इस कार्य को करें, ये शक्ति आपके पास अधिकार है। ठीक है, निर्वाचित संस्था जो होती है को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा प्रशासनिक कार्यों में जन सहयोग को लिया जाए, ये इसमें ऐसी भावनाएं होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कुछ दोष की। देखिए, जैसे केंद्रीकरण में दोष भी थे वैसे विकेंद्रीकरण में भी दोष हैं। दोष मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, सिर्फ बात कर लेते हैं। देखिए, हानि की बात कर लेंगे दोष की, तो यहाँ पे छोटे से दोष यही है कि भाई अनेक अवसर जब प्रशासन में विकेंद्रीकरण के कारण संगठन की नीतियों में जब भिन्नता आ जाती है, अंतर आ जाते हैं, तो संगठन के भविष्य के लिए वो अहितकर होता है। क्यों?
उच्च अधिकारी कूच जाएगा, निम्न अधिकारी कूच जाएंगे, तो वो संगठन टिकेगा क्या? आपके एक शब्द में आंसर होगा, नहीं टिकेगा। तो ये क्या हुआ? हानि हुई। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में उच्च अधिकारियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई लोग आते हैं नीचे वाले अधिकारियों से काम करके चले जाते हैं, ऊपर वाले अधिकारी को कोई जानता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे एक भी बात हो रहा थी कि भाई भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई, किसी भी प्रशासनिक संगठन में पूर्ण विकेंद्रीकरण कभी भी संभव नहीं हो पाता। आप कुछ भी कर लीजिए, उच्च अधिकारी से तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, तो पूर्ण विकेंद्रीकरण की बात यहाँ पे नहीं हो सकती। सही, अधिक विकेंद्रीकरण से विशिष्टीकरण के लाभों में भी कमी आती है। ये कुछ यहाँ पर क्या थी, हानियां हैं किसकी, विकेंद्रीकरण की। तो आई होप आप केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की लाभ और हानि को थोड़ा सा समझ गए होंगे। हालांकि मैं थोड़ा तेज बोला, लेकिन कुछ कुछ इतना मुश्किल चीज नहीं है। हम अपने आसपास जब भी किसी प्रक्रिया को देखेंगे, प्रोसेस को देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और अब देखिए, हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की यहाँ पे एक थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक व्यवस्था आपको दिखाई गई है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की। देखिए, यहाँ पे एरो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे एरो सेंटर से दूर जा रहे हैं। तो जैसा हमने बताया आपको, वो उसी पे आधारित है कि भाई जो कर्मचारी हैं वो बस कार्य करेंगे, उनको शक्तियाँ नहीं है, शक्ति सिर्फ एक अधिकारी के पास है जो सेंटर में बैठा है। यहाँ पे अधिकारी ने क्या किया, कार्यभार बांट दिया अलग अलग विभागों को, अलग अलग कर्मचारियों को। तो ये एक मोटा डिफरेंस हो गया केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में, ठीक है। यहाँ तक तो चीज समझ गए हम। अब देखिए, केंद्रीकरण व्यवस्था जो है ये क्या लाती है, शासन में कठोरता लाती है, वहीं विकेंद्रीकरण में थोड़ा लचीलापन पाया जाता है। सहयोग विश्वास कम होता है यहाँ पर, और यहाँ पे सहयोग में विश्वास अधिक रखा जाता है। विकेंद्रीकरण में सहयोग में विश्वास अधिक होता है, बल्कि केंद्रीकरण में सहयोग में विश्वास कम रखा जाता है। लेकिन हम बात करें अब छोटी सी कि भाई विकेंद्रीकरण की बढ़ती हुई मांग की जो पृष्ठभूमि है उसमें भाई क्या किस किस चीज़ का योगदान है। देखो, शिक्षा का, चेतना का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, ये चीज़ बढ़ रहे हैं आजकल, तो इसलिए विकेंद्रीकरण की मांग अत्यधिक बढ़ती जा रही है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में अनेक प्रयास हो रहे हैं। जैसे हम बात करें छोटी सी, तो हमारी पंचायती राज व्यवस्थाएं, क्या पंचायती राज व्यवस्थाओं को आजकल अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो वो भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जहां यह लोकतांत्रिक स्वरूप और कुशलता से संबद्ध है, वहीं इसमें कुछ दोष भी है जो हमने आपसे बात कर ली। अब इन दोनों उदाहरणों में केंद्रीकरण किसकी, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इन दोनों अवधारणाओं की बात करें तो इन्हें सामान्यीकृत अवधारणा से नहीं समझा जा सकता, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सब किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कौन सी व्यवस्था उसके लिए उपयुक्त है। कार्य करने वाली प्रकृति पर निर्भर करेगा कि केंद्रीकरण व्यवस्था उपयुक्त है या विकेंद्रीकरण व्यवस्था वहां के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो नोट में इतना ही, छोटा सा वीडियो नोट था, हमने लोक प्रशासन आपके लिए दोबारा से शुरू कर दी है कंप्लीट, अब इसको ख़त्म करेंगे। इस व्यवस्था के ऊपर जो सिद्धांत, संगठन के जो सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे हम इसको समाप्त करेंगे। संगठन नाम की चीज़ को बहुत लंबा खींच लिया हमने इसको, उसके बाद में हम इस लोक प्रशासन को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी आपके लिए, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वीडियो नोट्स देने की पूरी पूरी कोशिश है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाइए, चैनल पर लोगों को बुलाइए, ये आपका काम है। अच्छे से अच्छा कंटेंट देना मेरा काम है, चैनल के ऊपर लोगों को बुलाना आपका काम है। मेरा काम मैं ईमानदारी से करता हूँ, आपका काम आप ईमानदारी से करिए। वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।